तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खूनी गेमर्स में। तो आपने वीडियो का थंबनेल देखा कि रनिंग हेडशॉट कैसे मारते हैं और रनिंग हेडशॉट टिप्स एंड ट्रिक। तो गाइस पहले हम बात कर लेते हैं अपनी सेंसिविटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी सेंसिविटी है वो अपनी 100 रखता हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, बट यहाँ पर सेटिंग के अंदर मैं आपको एक और फीचर के बारे में बताऊँगा जो आपको मतलब 80% लोगों को शायद नहीं पता होगा कि आप जब भी गेम खेलते हो, ठीक है, गेम खेलते हो उससे मतलब पहले हमको क्या करना चाहिए, यानी हम जब भी गेम खेलें या गेम ओपन करें तो उससे पहले एक छोटा सा काम कर लिया करो सभी सभी, ठीक है। अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो भी मतलब मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है। तो क्या सेटिंग में एक अदर नाम का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। अदर नाम के ऑप्शन पर आप जैसे ही दबाओगे तो यहाँ पर एक ब्राउजर में क्लियर कैचे लिखा रहता है, आपको उसको क्लियर कैचे कर देना जब भी आप गेम स्टार्ट करो या गेम ओपन करो उससे पहले, ठीक है। तो यह आपको मतलब सेटिंग के अंदर अदर वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा, यानी आप सेटिंग पर दबाओगे यहाँ पे एक अदर वाला ऑप्शन रहता है, यहाँ पे क्लियर कैचे जैसे करोगे तो आपका जो फ़ोन होता है ना वो मतलब स्मूथली वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। स्मूथली मतलब यानी अच्छे तरीके से चलेगा, यानी आपका जो मोबाइल पहले चलता है उससे अच्छा वर्क करना कर देगा स्टार्ट, ठीक है। तो क्या यहाँ पर मतलब हम बात करने वाले हैं रनिंग हेडशॉट के बारे में। तो बंदा अगर सीधा रहता है या सीधा खड़ा रहता है या सीधा भक्के आता है तो हम सभी उसको ईजिली हेडशॉट मार सकते हैं, सभी मार सकते हैं, ठीक है। अगर बंदा सीधा भक्के आ रहा है या सीधा खड़ा है कुछ भी हो मतलब, तो हम उसको मतलब सभी है हम इजीली हेडशॉट मार देते हैं। बट कंडीशन तो यहाँ पे ख़राब हो जाती है, बंदा अगर राइट साइड की तरफ भाग रहा हो या लेफ्ट साइड की तरफ भाग रहा हो और मतलब दूर खड़ा हो, ठीक है, दूरी में हो, तो हम उसको हेडशॉट कैसे मारें। तो जैसे ही बंदा अगर सीधा आता है तो हमको ये अप्लाई करना होता है कि अपने जब फायर वाला बटन ना उसको ऊपर की तरफ खींच दो तो आप मतलब ईजिली ड्रैग पड़ जाता है। तो यार सिंपल है ये, तो मतलब कि जैसे बंदा सामने खड़ा है, यहाँ पे एक देखो बंदा खड़ा है, ठीक है, तो ये सीधा खड़ा है, इसको मैंने मतलब अपना फायर वाला बटन है वो ऊपर की तरफ किया और बंदे को हेडशॉट लग गया। बट गाइस अगर बंदा राइट साइड की तरफ भाग रहा है या लेफ्ट साइड की तरफ भाग रहा है, जैसे यहाँ पे एक बंदा है राइट साइड की तरफ भाग रहा है, अब हम इसको ईजिली हेडशॉट कैसे मारें, यानी अगर हम बंदा राइट साइड की तरफ भाग रहा है अगर हम इसको हेडशॉट मारेंगे तो ईजिली हेडशॉट कैसे मारें। तो इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि अगर बंदा लेफ्ट साइड की तरफ भी भगे या राइट साइड की तरफ भगे, ठीक है, आड़ा तिरछा कैसा भी भगे, एनाकोंडा बन जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो आप उसको कैसे मारोगे। तो क्या उसके लिए आपको करना क्या है कि अगर बंदा राइट साइड की तरफ भग रहा है यानी राइट साइड की तरफ रन कर रहा है, तो क्या आपना जो फायर वाला बटन है ना उसको राइट साइड की तरफ भी खींच के लेके जाओ, क्योंकि ये जो आपका एम होता है वो तो आपका एम राइट साइड की तरफ ही रहता है, बट जो आपको फायर वाला बटन है ना वो हम क्या करते हैं, बंदा भग रहा है राइट साइड की तरफ और अपने एम को ले जा रहे हैं हम ऊपर की तरफ। ऐसा नहीं करना है, आपको करना क्या है कि अगर बंदा राइट साइड की तरफ भग रहा है तो जो अपना फायर वाला बटन है ना उसको राइट साइड की तरफ ही खींचो, यानी जैसे आप ऊपर की तरफ खींचते हो ना तो ऐसे ही बंदा अगर राइट साइड की तरफ भग रहा है तो आप अपने फायर वाले बटन को राइट साइड की तरफ खींचो, अगर बंदा लेफ्ट साइड की तरफ भग रहा है तो अपने फायर वाले बटन को लेफ्ट साइड की तरफ खींचो, ये नहीं कि ऊपर खींचो। जैसे यहाँ पे बंदा है ये भी राइट साइड की तरफ ही भग रहा है, ठीक है, तो मेरा फायर वाला बटन है मैं इसको राइट साइड की तरफ ही खींच रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप मेरे फायर बटन की मूवमेंट देखो, ठीक है, अभी आपने हेडवेड तो देख लिया बट मेरे फायर वाले बटन की वो मूवमेंट देखो। तो भाई आपको करना कुछ नहीं, अगर बंदा राइट साइड की तरफ भगता है तो आपको अपना जो फायर वाला बटन है वो राइट साइड की तरफ लेके जाना है, अगर बंदा लेफ्ट साइड की तरफ भगता है तो आपको लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाना है, ठीक है। अगर बंदा सामने की तरफ खड़ा है जैसे ये है तो आपको अपना फायर वाला बटन है वो ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। तो गाइस कंडीशन ये अप्लाई होती है कि आपको फायर वाला बटन के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। अगर बंदा राइट साइड की तरफ भगता है तो आपका फायर वाला बटन है वो राइट साइड की तरफ खींचना है, अगर बंदा लेफ्ट साइड की तरफ भगता है तो आपको फायर वाला बटन है वो लेफ्ट साइड की तरफ खींचना है, अगर सीधा खड़ा है तो आपको ऊपर की तरफ खींच देना है। बस गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है, और जो भी गाइस आपकी कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में डाल देनी है, मैं कमेंट सभी के रीड करूँगा। आपको वीडियो कैसी लगी और कोई भी अगर अदर टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर बना दूंगा, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो ये सारी चीज़ें, और इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप इंस्टाग्राम पर आप मेरे को फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर देना। तो गाइस यहाँ पर मतलब आपको मैंने बताया कि राइट साइड की तरफ भगता है तो राइट साइड की तरफ, अगर लेफ्ट साइड की तरफ भगता है तो लेफ्ट साइड की तरफ ही आपको ड्रैग करना है। तो गाइस अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।